हेलो गाइस, कैसे तुम सब? आई होप तुम सब अच्छे होगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी कि वीडियोस बहुत दिन बाद आ रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बिजी था कहीं जरूरी काम में, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, टाइम से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। बट खैर, अब मैं वापस आ चुका हूँ। टाइम से वीडियो आएगा, टाइम से ब्लॉग आएगा। इससे पहले कोई भी ब्लॉग आए, मैंने कुछ मंगाया है, एंड दैट इज़ द एक्सन कैमरा। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मोटो ब्लॉगिंग व्हाइल यू आर राइडिंग। ये है SJ6 का लेजेंड विथ जायरो स्टेबिलाइजेशन। इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, बट मैं माउंट करने के लिए क्या क्या एसेसरीज इसके साथ है और इसका बैटरी कैसा है, कितना बैकअप दे सकता है। लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। तो ये है कैमरा, इसको साइड में रखते हैं। पहले देखते हैं और क्या क्या है इस बॉक्स में। इस बॉक्स में है, ये इसका माउंट है, ये इसका हुक है, जो कि मेरे को लग रहा है कि अगर हम इसको साइकिल पे या बाइक के हैंडल पे माउंट करते हैं तो ये इसमें लग जाएगा। अलग से प्रोटेक्टिव केस दे रखा है। टेप है जो कि हम हेलमेट पे जब माउंट करेंगे तब इसको लगाएंगे। साथ में दो और माउंट दिए हुए हैं, ये अलग से इसके एक्स्ट्रा हुक दिए हुए हैं। SJ6 का कैम का स्टिकर दिया हुआ है दो। ओके, तो हम बात करते हैं कैमरे के बारे में। सबसे पहले कैमरा जो है वो ऑलरेडी कवर में है। कवर को हम निकाल लेंगे। निकालने का तरीका ये है, यहाँ पे ओपन का ऑलरेडी स्विच दिया हुआ है, जस्ट टू पुल इट फॉरवर्ड और फिर इसको धीरे से उठा देना है, ये खुल जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा एयर टाइट है, इसको हल्का सा ऐसे खींचोगे पूरा केस खुल जाएगा। और ये रहा हमारा कैमरा, जो कि काफ़ी छोटू सा है, यू कैन सी द साइज, मेरे हाथ में इतना छोटा सा आ रहा है। यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, यहाँ पे सेटिंग का बटन दिया हुआ है और यहाँ पे पॉज और स्टार्ट का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे USB का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे साथ में आपका चार्जिंग पोर्ट के साथ आपका SD कार्ड लगाने को दिया हुआ है। नीचे यहाँ पे आप माउंट करने के लिए दिया हुआ है, आपके बैटरी का भी दिया। इसके बैटरी को निकालने का तरीका यहाँ पे खींचने का दिया हुआ है, आप इसको ऐसे खींचेंगे ये खुल जाएगा। ये रहा आपका बैटरी। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो 1000 mAh की बैटरी है, जो कि आई थिंक मेरे को लग रहा है कि 1 आवर से थोड़ा ज़्यादा, 20 मिनट ज़्यादा तक ये बैकअप देगी अगर हम कॉन्टीन्यूसली इसे रिकॉर्डिंग करते हैं तो। अब बात करें अगर हम कैमरे की क्वालिटी की, तो इसमें हम 16 मेगापिक्सल, 14, 12, 10, 8, 5, 3 मेगापिक्सल तक का शूट कर सकते हैं। व्यू क्वालिटी 4K से लेकर 1080p तक हो सकता है इन 60, 30 FPS एंड 24 FPS ऑल्सो। इमेज की जो फॉर्मेट है वो है JPG, वीडियो का जो फॉर्मेट है वो MP4 होगा। बात करते हैं केस की, तो जो केस है इसका वाटरप्रूफ है 30 मीटर तक अंडर वाटर, 30 मीटर मोस्ट प्रोबली। तो ऑन करने की बात करें तो यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, प्रेस एंड होल्ड करेंगे कैमरा ऑन हो जाएगा, SJ6 का लोगो आएगा और साथ में कैमरे की क्वालिटी तुम देख सकते हो। अगर हम सेटिंग की बात करें तो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन में बहुत सारे वेरियंट्स हैं, 1080p, 60 FPS, 30 FPS, 25 FPS में भी है, साथ में रिजोल्यूशन 4:3, 1080p, 30 FPS सुपर, बहुत सारे हैं, इवन 4K से लेकर 2K तक का भी है, देख सकते हो तुम सब। साथ ही लूप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें, FOV है, मिडिल नैरो वाइड, VDR है, जायरो सेंसर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं यूज़ करते हैं हाई कर लूँगा। ऑडियो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर बाकी सेटिंग में देखें तो लैंग्वेज है, डेट है, टाइम है, फॉर्मेट है, गिम्बल कंट्रोल है, अगर आप गिम्बल से यूज़ करते हैं तो आप गिम्बल कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं बेटर क्वालिटी के लिए, बेटर स्टेबिलिटी के लिए। SJ6 दो एक चाइनीज़ कंपनी है, बट मेरे को बेटर क्वालिटी में चाइनीज़ कंपनी में मिल रहा था, मैं क्या करूँ, GoPro लेने का बजट नहीं था। अब अगर आगे की स्क्रीन की बात करें तो आगे भी आपको दिखा रहा होगा कि कितना रिकॉर्डिंग हुआ, कितने देर हुआ रिकॉर्डिंग, कौन से रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड हो रहा है, बैटरी कितनी है। साथ ही आप इसको इजीली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मोड कैसे रखना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको स्टिल में, मतलब फोटो लेने के लिए, फोटो लैप्स, बर्स्ट मोड, स्लो रिकॉर्डिंग, वीडियो लैप्स एंड वीडियो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैमरे के बाद हम बात करते हैं कैमरे के माइक की, जो कि मैंने कैमरे के साथ ही ऑर्डर करा था, साथ में मैंने एक SD कार्ड भी ऑर्डर करा था। इसका माइक, एक्सटर्नल माइक जो कि हम इसमें लगा सकते हैं, माइक है ये SJ6, SJ7 एंड SJ360 के साथ कंपैटिबल है।
Now it's time to check the video and audio quality of the SSA cam. तो अब अगर हम इसके कैमरे की क्वालिटी की बात करें, वीडियो की क्वालिटी की बात करें, तो तुम देख सकते हो अभी मैं 4K 24 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ. क्वाइट नाइस, क्वाइट गुड आई विल से. और साथ ही मैं इसको अब जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है ये है 1080p 30 FPS में. इसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को इसका क्वालिटी. जो है मेरे को पता नहीं वॉइस कैसी है, जब मैं एडिट करूँगा तब मेरे को पता चलेगा, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग है वो SSA cam के माइक से ही कर रहा हूँ. तो आई होप इसकी रिकॉर्डिंग मतलब जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी हो. और वैसे भी अभी ये थोड़ा सा बाहर में है तो नॉइज़ ज़्यादा होगा. जब मैं इसको राइड के टाइम ये मेरे हेलमेट के अंदर होगा, जो माइक है मेरे हेलमेट के अंदर होगा और मोस्ट प्रोबेबली मेरे चीक्स के पास होगा, तो शायद आवाज़ में थोड़ी सी डिफरेंस होगी. साथ ही मैं अभी इसके इनबिल्ट माइक का यूज़ कर रहा हूँ, तो लेट्स सी, आई डोंट नो इसका वॉइस क्लैरिटी कैसा है. आपकी क्लैरिटी की बात करूँ तो ये 4K में रिकॉर्ड हो रहा है और मेरे को लग रहा है रात में भी काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आ रही है इसकी. नीचे कुत्ता खड़ा होकर देख रहा हूँ ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ. अब इसका बैटरी जो है ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है, तो हम एक बार इसको चार्ज करके चेक करते हैं कि इसको चार्ज करने में पूरा कितना टाइम लगता है. 1000 mAh की बैटरी है, तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको चार्ज करने में. अलग से कोई भी चार्जिंग का अडाप्टर नहीं दिया हुआ है, केबल दिया हुआ है, आप इसको नॉर्मल फ़ोन के अडाप्टर में लगा के चार्ज कर सकते हैं. सो जो है कि मैंने क्लिप्स दिखा दिए थे तुमको, मॉर्निंग का जो शॉट था वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर था, बहुत ही अच्छा था. इवन 4K में 1080p में भी बहुत अच्छा था. और नाइट की क्लिप की बात करो, थोड़ा सा ब्लरी मेरे को लग रहा था, ठीक है. थोड़ा सा जो वीडियो क्वालिटी है या इमेज क्वालिटी वो अप टू द मार्क नहीं था, बट आई विल से कि इस प्राइस रेंज में ऐसी वीडियो क्वालिटी 4K में या 1080p में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. कैमरे का जो प्राइस है वो है 10,500 रुपये अमेजोन पे. एक एक्सटर्नल माइक तुम ले सकते हो और तुम्हें एक SD कार्ड लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है. इसमें इंटरनल स्टोरेज कुछ भी नहीं है, अनरखना SD कार्ड लेते टाइम. सारे SD कार्ड इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो पढ़ लेना या जब ये कैमरा खरीदना उसके साथ ही तुम्हें SD कार्ड वहाँ पे दिख जाएगा जो कि इसमें सपोर्ट करता हो, तो वही लेना. वीडियो गेम में यही कहूँगा कि अगर आपके पास GoPro का बजट नहीं है तो ये आपका बेस्ट कैमरा है. 1500 में अगर आप GoPro से कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिसमें आपको एक्सटर्नल माइक भी मिल जाता है, SD कार्ड 128GB तक ये सपोर्ट कर सकता है, साथ में 4K में रिकॉर्डिंग है आपकी, 30 mAh की बैटरी है. हाँ, लॉन्ग ट्रिप के लिए आपको दो बैटरी की मतलब या एक बैटरी एक्स्ट्रा आपको लेकर चलना पड़ेगा. तो नए राइडर जाओ ये कैमरा लो, GoPro का बजट नहीं, तो अगर GoPro का बजट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर GoPro का बजट नहीं है तो ये कैमरा लो, बेस्ट है. और अपने मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करो. मेरा भी मोटो ब्लॉगिंग है, जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी मेरे वीडियोज आने लगेंगे. मैं चैनल का नाम भी चेंज करने वाला हूँ अभी, वो भी तुम लोगों को पता चल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट माउंटिंग की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.